रॉम्पेलस्टिल्टस्किन। एक राज्य में एक गरीब मजदूर था, उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। एक बार वह गरीब राजा के दरबार में गया और राजा से बोला, मेरी बेटी घास फूस को सोना बना सकती है। राजा को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने गरीब मजदूर की लड़की को दरबार में आने को कहा। अगले दिन राजा उस लड़की को घास से भरे एक कमरे में ले गया और उससे बोला, अगर तुमने इस सारी घास फूस को सोने में नहीं बदला तो तुम मारी जाओगी। इतना कहकर राजा चला गया। बेचारी लड़की उस कमरे में अकेली थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जोर जोर से रोने लगी। लड़की रो ही रही थी तभी अचानक एक बौना आदमी आया और उसने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने सारी कहानी बौने आदमी को बताई तो उस बौने आदमी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं इस घास फूस को सोने में बदल दूंगा, पर इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? उस लड़की ने प्रॉमिस किया वो अपना नेकलेस उस बौने आदमी को दे देगी। उस बौने ने रात भर सारी घास फूस को सोना बना दिया। अगले दिन सुबह जब राजा ने कमरे का दरवाजा खोला तो वो बहुत खुश हुआ। अब राजा के मन में लालच आ गया। इस बार उसने लड़की को और बड़े कमरे में बंद किया और फिर से बोला, अगर तुमने इस सारी घास फूस को सोने में नहीं बदला तो तुम मारी जाओगी। लड़की फिर से कमरे में अकेली हो गई। वह फिर से रोने लगी और फिर अचानक कहीं से बौना आया, इस बार भी अगर मैं इस घास फूस को सोने में बदल दूं तो इस बार तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने वादा किया कि इस बार वो उसे अब सोने की अंगूठी दे देगी। बौना सारी रात घास फूस को सोने में बदलता रहा। अगली सुबह जब राजा कमरे में आया तो वह बहुत खुश हुआ। इस बार वो लड़की को घास फूस से भरे सबसे बड़े कमरे में ले गया और बोला, अगर तुमने इस सारी घास फूस को सोने में बदल दिया तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। उसने लड़की को फिर से कमरे में बंद कर दिया। लड़की फिर से रोने लगी। एक बार बौना आदमी फिर से आया। लड़की बोली, इस बार तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना कहकर लड़की फिर से रोने लगी। अच्छा तो तुम मुझसे वादा करो कि जब तुम रानी बनोगी तो अपना पहला बच्चा मुझे दोगी। लड़की इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि राजा उसे अपनी रानी बनाएंगे। वह बौना सारी रात भर घास फूस को सोने में बदलता रहा। अगले दिन राजा सोने से भरा कमरा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। जल्द ही उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया। एक दिन वह बौना आदमी उस रानी के पास उसके बच्चे को लेने आया, मगर रानी को अपना किया वादा याद ही नहीं था। रानी उस बौने आदमी के आगे बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। आखिरकार उस बौने आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं ले जाऊंगा अगर तुम मेरा नाम बता दो। इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। इतना कहकर बौना आदमी गायब हो गया। रानी ने सारी रात भर अलग अलग नाम सोचे। अगली सुबह जब बौना लड़की के पास आया, अब उसने बौने को सारे नाम बताए जो जो उसने सोचे थे। मुझे लगता है आपका नाम है रामू, श्यामू या कटप्पा। अरे ये तो मेरा नाम नहीं है। फिर राज्य के सैनिकों को रानी ने पूरे राज्य के लोगों के नाम पूछकर आने को कहा। अगले दिन वो बौना फिर रानी के पास आया, लेकिन बौने को अपना जवाब नहीं मिला। अगले दिन रानी ने एक नौकर को उस बौने आदमी को ढूंढने के लिए भेजा।
वह नौकर जब घने जंगल में गया तो उसने उस आदमी को आग के सामने नाचते देखा। वह बौना एक गाना गा रहा था। आज मैं नाचूं, आज मैं कूदूं, कल मुझे मिलेगा रानी का बच्चा, कल मैं पूछूंगा रानी से अपना नाम, जब वो नहीं बता पाएगी कि मेरा नाम है रामपा स्टेस केम, रामपा स्टेस केम, ला 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 ला। नौकर रानी के पास वापस आया और उसे बौने आदमी का नाम बताया। रानी बहुत खुश हुई। अगली सुबह बौना रानी के पास आकर बोला, तो रानी अगर आज भी तुमने मेरा नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा। तुम्हारा नाम है भल्लाल देव या बाहुबली या शायद तुम्हारा नाम है रामपल स्टिल्टस्किन? हैया, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बौना अपना नाम सुनकर वापस चला गया और रानी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।